हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24, इसमें हम महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आप ध्यान से जरूर देखना, सभी चीज के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आप अगर इसके स्किप करते हैं तो आपका शायद घाटा हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको जो वास्तविक जो जानकारी है उससे आपको परे हो जाओगे। तो देखिए, यहाँ फार्मा में गलती हुआ है, ठीक है? दसवीं के अंक सूची के अनुसार फार्म भरे हो कि नहीं भरे हो, इसके बारे में आपको बताऊं, भरना चाहिए कि नहीं चाहिए, कितने जिले से फार्म भरना चाहिए और क्या होगा, डॉक्यूमेंट को कब तक बनवा लेना चाहिए था उसके बारे में, और हाइट और चेस्ट छूट कब तक बनवाना था, इस सभी चीज के बारे में अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, अभी क्या हुआ है, अब फार्म भरने की जो अंतिम तिथि कितना है, 6 मार्च 2024 है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आपको और याद दिला रहा हूँ, ठीक है? आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं और अपने भाई बहन जो भी छूटे हुए हैं उसको बता सकते हैं, ठीक है? उसको बता दो कि जल्दी जल्दी फार्म भर ले, ठीक है? और इतना सारी चीजें हैं, फिजिकल के बारे में आपको और आगे बताऊंगा कब होगा फिजिकल। अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हो, ठीक है, अगर बिना सब्सक्राइब के अगर कमेंट करोगे तो वह जो है रिप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने अपने जो YT स्टूडियो उसमें सेटिंग किया हुआ है, तो आप सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे तभी वो दिखेगा, अपना जो YT स्टूडियो है, ठीक है? तो उसका आप ध्यान जरूर रखेंगे। फार्म में गलती हुआ है, ठीक है? फार्म में गलती हुआ है तब आपको क्या करना है, ठीक है? देखो, फार्म में गलती हुआ है तब वह सुधरेगा नहीं, पहली बात आप याद रखेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, आज से लगभग एक महीना पहले आपको बता चुका था कि फार्म में गलती मत करना। जब फार्म डलना चालू हुआ था तब से ही आपको बता दिया था, ठीक है? तो देखो, फार्म में गलती है तो गलती का कोई इलाज नहीं है, वो सुधरेगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन गलती किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या गलती है, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है? अगर आप अपने फार्म में, ठीक है, अगर आप अपने फार्म में नाम, मतलब कैंडिडेट का नाम, ठीक है, माँ का नाम, पिता का नाम और DOB, ठीक, DOB मतलब जन्म तिथि, अगर इतने चीजों में आप गलती किए हो तो आपको पुनः रजिस्ट्रेशन कर लेना दूसरे मोबाइल नंबर से और फार्म डाल लेना, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती है, यही गलती नहीं होना चाहिए। और एक गलती यह है, एक है कि आप थम नहीं लगाए हो, ठीक है? अंगूठा का जो निशान है ये नहीं लगाए हो आप थम, इसमें लेफ्ट का मांगे हैं, ठीक है? लेफ्ट का थम नहीं लगाए हो तो भी ये बड़ी गलती है, कोई ने फोटो ही नहीं लगाया है तो भी बड़ी गलती है। तो इतना अगर गलती हुआ है तो आप एक बार फिर से मोबाइल नंबर दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना, अभी समय है, ठीक है यार? अभी समय है, रात को करना, दिन को नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम सर्वर डाउन हो जाता है। अगर नाम, माँ का नाम, पापा का नाम, ठीक है, और जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ था, थम नहीं डाले हो, फोटो में सिग्नेचर नहीं है, तो ये बड़ी गलती है। ये जो बड़ी गलती है तो इस चीजों में आपको क्या है, फिर से फार्म डालना चाहिए, मेरे हिसाब से रिस्क मत लो, ठीक है? और आपका जो नाम है, ये सभी नाम किस आधार पर होना चाहिए, तो आपका अगर आप पांचवी देखो, कई लोग पांचवी से भी फार्म डाल सकते हैं, उसका आप डिटेल देखेंगे तो जैसे नक्सल पीड़ित परिवार पांचवी से डाल सकता है, ST कैटेगरी वाले कितने से डाल सकता है, तो 8वीं पास से फार्म डाल सकता है, बाकी जो ये नक्सल पीड़ित वाले, ठीक है, नक्सल पीड़ित वाला डाल सकता है 5वीं से, कोई भी कैटेगरी का हो, इसमें कोई भी कैटेगरी का होना चाहिए, और इसमें सिर्फ ST वाले डाल सकते हैं, और इसमें जनरल UR लिख देता हूँ, ठीक है, OBC और SC, इतने लोग 10वीं से ही फार्म डालेंगे। तो आपका यही अनुसूची, जिस अनुसूची से आप डाल रहे हो उसी के आधार पर आपका नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, DOB, थम आपका जो फॉर्मेट है उसको आप लोग बताया, वो फॉर्मेट यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो उस फॉर्मेट को आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है? उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सब चीज। अगर फोटो, यहाँ पर जो फोटो है उसमें नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका लेफ्ट थम या राइट थम लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट थम लगा है, आपको लेफ्ट लगाना था लेकिन राइट लगा है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको बायोमेट्रिक में ही थोड़ा सा दिक्कत होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है?
कितने जिले में फार्म भर सकते हैं इसी के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग आधार कार्ड के हिसाब से फार्म भर दिए हैं तो भैया गलत है, ठीक है। अगर आधार कार्ड और आपका अंग सूची का दोनों का नाम अलग अलग है और आप आधार कार्ड के नाम से ही आप अपना क्या है फार्म डाल दिए हो, डेट ऑफ बर्थ उसी को डाल दिए हो तो गलत है। अभी समय है फार्म भरने, ठीक है। कितने जिले से फार्म भरना चाहिए, कितने जिले से फार्म भरना चाहिए तो आपका जितना मन लगे उतने जिले से फार्म भर लेना, रिजेक्ट नहीं होगा। एक ही जिले के चालक में भी डाल सकते हो, ट्रेन में भी डाल सकते हो, जेडी में भी डाल सकते हो फार्म। एक ही जिला में तीन जगह भी डाल सकते हो, तीन पोस्ट के लिए फार्म, ठीक है। डॉक्यूमेंट को कब तक बनवा लेना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट को आपको 6 मार्च से पहले बनवाना है, मतलब 6 मार्च तक आपके बन जाना चाहिए, ठीक है। 6 मार्च 2024 से पहले आपका डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए, अति आवश्यक है, ठीक है यार, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई माननीय डीजीपी महोदय से, ठीक है, माननीय जो डीजीपी महोदय है पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, ठीक है, इनसे अगर कोई छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो बनाया हूं, जाकर जरूर देखना। और कब तक बनवा लेना चाहिए, देखो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है छूट का प्रमाण पत्र, वो कब तक आना चाहिए, तो आपको जो फिजिकल के दिन आपके पास हाथ में होना चाहिए, तभी तो उसको लेके जाओगे तो छूट मिलेगा, ठीक है। तो उसको आप अभी से बनवा लो, अभी चल दो, ठीक है, बाद में जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग का सोच रहता है कि ये मिलेगा तब मैं डालूंगा फार्म, तो ऐसा गलती मत करना। सबसे पहले आपको फार्म डालना है और ये 10वीं की अनुसूची के आधार पर करना है, बाकी डॉक्यूमेंट आपको 6 मार्च 2024 तक बनवा लेना है। तो याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब लगातार आपको गाइड करता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। और आपके में कोई भी गलती हुआ है, अगर एक प्रकार से बड़ी गलती हुआ है, अगर थम नहीं डाले हो तभी ये बड़ी गलती है, ठीक है। अगर राइट डाल दिए हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, वहां पर सिर्फ बायोमेट्रिक में ही आपको दिक्कत होगा, बाकी आपने थम डाला ही नहीं है, सिग्नेचर डाला ही नहीं है, कई लोग फोटो भी नहीं डाले हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीजों को आप समझो अच्छे से, आप फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, आप लगातार आपको क्या है मैं गाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइव क्लास में आपका क्या है जो डाउट है उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।